अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। टीचिंग इश्तिहार 2024 के बारे में आपको अपडेट देंगे। ये जो वैकेंट पोस्टों की जो डिटेल मांग रहे हैं और कितनी पोस्टें इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएसटी, सीटी, एसएसटी, टीटी, कारी वगैरह की कितनी पोस्टें जो हैं वो वैकेंट है, ये सारा डिटेल आपके साथ इस वीडियो में होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो कब होगा और इस वक्त कितनी पोस्टें जो हैं वो केपी में एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में यानी पीएसटी, सीटी वगैरह की कितनी पोस्टें वो इस वक्त वैकेंट हैं, और ये डीओ ऑफिस वाले जो हैं वो वैकेंट पोस्टों की डिटेल जो है वो क्यों मांग रहे हैं। इस तरह अखबार में भी जो है ना वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वो मांग रहे हैं, और इस तरह मुख्तलिफ जो उनके व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप्स हैं तो उसमें भी वो वैकेंट पोस्टों की जो डिटेल है ऑफिस डीओ ऑफिस वाले वो मांग रहे हैं। तो ये डिटेल होगा इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन जो है वो कब होंगे, वो टेस्ट इस बार जो है वो ईटा लेगा या एनटीएस लेगा, और टेस्ट जो है वो कहाँ से आएगा, नए कोर्स में से होगा या नहीं। तो ये सारी बातें, ये सारी जितनी भी क्वेश्चंस हैं जो अक्सर जो है हमारे दोस्त करते रहते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप करते रहते हैं और वहाँ पर भी चैनल के नीचे भी अक्सर कमेंट करते रहते हैं, तो मैंने कहा चलो एक शॉर्ट सी वीडियो इस पर बना दूं ताकि अच्छे तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि पोस्टें कब आएगी। तो चलो चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने ये जो है ये पोस्ट लिया है कि ये जिस तरह आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में या बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी जो है ना हेड मास्टर और जो हमारे पास हेड मिस्ट्रेस और ये जितना भी हैं सेंटर इंचार्जान है, एसडीओज़ हैं, उनसे वैकेंट पोस्टों की ये जो है डिटेल वो मांग रहे हैं कि जल्द अज़ जल्द जो है वो ये आप डिटेल दें। बीपीएस 12 की जो पोस्टें हैं, बाकी जो है 14-15 सिटी की जो हैं वगैरह और एसएसटी वगैरह की, ये जितनी भी वैकेंट पोस्टों की डिटेल जो है वो मांग रहे हैं। तो ऐसा क्यों है और क्यों ये मांग रहे हैं, अखबार से भी आप देख सकते हैं। अगर आप डेली मशरक़ की तरफ जाएं और वहाँ पर भी देखें तो वैकेंट पोस्टों का जो है वो इतना वावेला वहाँ पर भी मौजूद है। और यहाँ से अगर आप देख लें तो हैबर पख्तूनख्वा यानी स्कूल असातिज़ा की तकरीबन 21,137 असामियाँ खाली हैं, उन्होंने डिटेल दी है पीएसटी वगैरह सीटी, इसमें अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इस ये जो वैकेंट पोस्टें हैं इसकी जो है वो रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है इसके पीछे के, आया क्या ये नई पोस्टें अब ये कब एडवर्टाइज़ इसका होगा। तो यहाँ पर ऑफिस से मतलब जो सीनियर क्लर्क्स हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं, उसके साथ मैंने रابطہ भी किया है। तो उनके साथ जब मैंने रابطہ किया और ये उनसे बात की कि आया इस वक्त यानी हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस वक्त मतलब पोस्टें क्या आ सकती है या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं, निगरान सेटअप है, तो आया क्या निगरान सेटअप में आपके पास पोस्टें आ सकती है या नहीं, और फिर ये वैकेंट पोस्टों की जो डिटेल हर डिस्ट्रिक्ट में ये मांग रहे हैं इसकी असलियत रियलिटी क्या है। तो जो सुपरिटेंडेंट साहिबान हैं और सीनियर हमारे पास जो बाबू साहिबान हैं, उनका कहना है कि अब ये चीज़ तो हर एक बंदे को क्लियर है कि जब भी वैकेंट पोस्टें आती हैं 18,000, 16,000 या 20,000 या इससे प्लस इस वक्त 30,000 से ज़ायद पोस्टें एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो वैकेंट है, लेकिन इस निगरान सेटअप में चूँकि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ये जितनी भी पोस्टें होती हैं बाकायदा काबीना से और वहाँ से इसका जो है इजाज़त लिया जाता है और इसको बाकायदा इसकी मंजूरी होती है, तो निगरान सेटअप में चूँकि ये तो यानी मुमकिन नहीं कि एडवर्टाइज़ हो जाए। तो अब यानी कब एडवर्टाइज़ होगा, क्या 2023 में होगा, 2024 में होगा, तो ये आपको बता दूं कि ये जब भी यानी ये एडवर्टाइज़ होगा तो इलेक्शन के बाद होगा। लेकिन दोस्त अक्सर फिर ये मज़ीद ये सवाल करते हैं कि इलेक्शन कब होंगे, तो इलेक्शन कब होंगे, तो इस हवाले से भी आपके साथ एक पोस्ट शेयर करने जा रहा हूँ, और इसके साथ मज़ीद नोटिफिकेशन भी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को मुल्क भर में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। अब सदर ने तो कह दिया है, पहले जो है वो कोर्ट भी जो है उन्होंने भी टाइम दिया था, तो क्या ये अब इलेक्शन होंगे, टाइम पर होंगे या नहीं होंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये बात कन्फर्म है जैसे ही इलेक्शन होगी और नई गवर्नमेंट आएगी तो लाजमी पोस्टें आएगी, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा पोस्टें जो है वो वैकेंट है। एक और नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं।
तो ये एक खुश आयन बात है जहाँ पर इस नोटिफिकेशन में जो डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में आज हुआ है, इसका सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ EMS ऑपरेटर्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ अपकमिंग जनरल इलेक्शन। तो अब अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द हमारे मुल्क में इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन के बगैर ये मुमकिन नहीं। और इस वक्त इलेक्शन भी जो है पाकिस्तान में मसले कश्मीर जो है वो बन चुका है, तो अल्लाह करे जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, और जैसे ही इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे तो वैकेंट पोस्टें जो है वो बहुत जल्द आएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि 2024 में इंशाल्लाह वैकेंट पोस्टें जो है वो आएगी, और अभी से आप तैयारी उसके लिए शुरू कर लें। उसके लिए आप मैथ की तैयारी फिर उस वक्त आप नहीं कर सकते, तो मैथ की जो वीडियोज़ हैं 4 to 10th हमारे चैनल पर, ये जो न्यू कोर्स है क्लास 6, 7, 8 वो आपको सिर्फ हमारे चैनल पर ही कंप्लीट जो है उसके लेक्चर्स जो है वो मिलेंगे तीनों बुक्स के। तो तैयारी इस तरह मैथमेटिक्स की, साइंस की और इंग्लिश की आप साथ साथ जो है पास्ट पेपर से भी कर सकते हैं और न्यू कोर्स से भी आप कर सकते हैं। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं और आप अपनी राय भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।